अब हम आगे पढ़ेंगे हमारी ओ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर हमें क्या करना है कि ओ की मात्रा वाले कौन कौन से शब्द आते हैं वो हमें यहाँ पर आगे अब हम सीखेंगे। उसमें सबसे पहले आएगा चित्र, देखिए और समझिए। तो यहाँ पर किसका चित्र दिया गया है, तो ये चित्र है घोड़े का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये घोड़ा है उसके कौन शब्द को हम आज सीखेंगे। तो कैसा होगा हमारा वर्ण, पहला घ प्लस ओ की मात्रा प्लस ड प्लस आ की मात्रा। तो हमारे सारे वर्णों को जोड़कर जो संधि वाला शब्द बनेगा वो है हमारा घोड़ा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, घ प्लस ओ की मात्रा प्लस ड प्लस आ की मात्रा, यानी कि इज इक्वल टू हमारा शब्द बनेगा घोड़ा। सारे वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है हमारा जो घोड़ा। उसी तरह आगे का चित्र है हमारा एक तोते का। तो तोते का शब्द हम कैसे बनाएंगे, त प्लस ओ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, त पर लगेगी हमारी ओ की मात्रा और दूसरे त पर लगेगी हमारे आ की मात्रा। तो हमारा पूरा शब्द संधि जोड़कर बन जाएगा तोता। तो हमें यहाँ पर पूरा शब्द हमें मिलेगा तोता। दूसरा शब्द चित्र है हमारा कटोरी का। तो कटोरी का कैसे बनेगा, क प्लस ट प्लस ओ की मात्रा प्लस र प्लस ई की मात्रा। तो शब्द बनेगा हमारा कटोरी। तो हमें यहाँ पर कैसे करना है, क प्लस ट प्लस ओ की मात्रा प्लस र प्लस ई र ई की मात्रा। तो हमारा ये सब सारे वर्णों को जोड़कर शब्द बनेगा हमारा कटोरी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सारे वर्णों जो दिए गए हैं उन्हें जोड़कर हमें हमारे ये शब्द यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर क्या चौथा चित्र है हमारा एक समोसे का। तो समोसे का कैसे बनेगा वर्ण, तो समोसे का पहला स वर्ण आएगा हमारा प्लस म, म पे लगेगा हमारी आ की ओ की मात्रा, उसके बाद आएगा स, स पर लगेगी हमारी आ की मात्रा। तो ये सारे वर्णों को जोड़कर उनके स्वरों को जोड़कर हमारा बनेगा समोसा, यानी कि सारी संधियों को मिलाकर हमारा शब्द बनेगा समोसा। तो हमें क्या करना है, स प्लस म प्लस ओ की मात्रा प्लस स प्लस आ की मात्रा। तो हमें क्या करना है, हमारे वर्ण और उसमें लगेगी हमारी मात्राओं को जोड़कर हमें यहाँ पर जो शब्द बनता है वो हमें यहाँ पर इस तरह से सीखने हैं। उसके बाद है हमारा पढ़िए और समझिए। हमें क्या करना है, हमें जो वर्ण दिए गए हैं उसी की उसके जो मात्रा दिए गए हैं उन्हें जोड़कर उनकी संधियों को जोड़कर एक शब्द बनाना है। तो यहाँ पर पहला शब्द हमारा कौन सा है, न प्लस ओ की मात्रा प्लस ट। तो हमारा इन संधियों को जोड़कर बनेगा हमारा नोट। न पर लगेगी हमारी ओ की मात्रा प्लस ट, यानी कि हमारा पूरा शब्द बनेगा नोट। उसी तरह है च प्लस ओ की मात्रा प्लस ट प्लस ई की मात्रा। तो क्या बनेगा हमारा, पहला वर्ण है हमारा च, उस पर लग जाएगी हमारी ओ की मात्रा, यानी कि बनेगा चो प्लस ट, फिर आएगा हमारा वर्ण ट, और ट में हमारी कौन सी मात्रा लगेगी, ई की मात्रा, तो बनी जाएगी हमारी चोटी। तो यहाँ पर पूरा शब्द हमारी सारी संधियों को जोड़कर शब्द बनेगा हमारा चोटी। उसके बाद है म प्लस ओ की मात्रा प्लस र। तो यहाँ पर क्या होगा, जो म है हमारा वर्ण उस पर लग जाएगी हमारी ओ की मात्रा, तो बन जाएगा मू प्लस र। तो यानी कि पूरा शब्द बन जाएगा हमारा मोर। उसी तरह आगे हमारा ढ प्लस ओ की मात्रा प्लस ल प्लस क। तो हमारा इज इक्वल टू शब्द बनेगा ढोलक। तो हमें क्या करना है, ढोलक बना, ये शब्द बनेगा हमारा ढोलक। ढ पर लग जाएगी हमारी ओ की मात्रा, तो हमारा पूरा शब्द बन जाएगा ढोलक। उसी तरह है प प्लस ओ की मात्रा प्लस ज प्लस न इज इक्वल टू भोजन। तो हमें क्या करना है, प होगा हमारा वर्ण पहला, तो उस पर लगेगी हमारी ओ की मात्रा, तो बन जाएगा पो। उसके बाद का वर्ण है हमारा च, फिर आएगा हमारा वर्ण न, तो हमारा पूरा शब्द बनेगा भोजन। तो यहाँ पर हमें इसी तरह के सारे शब्द बनाने हैं। उसके बाद है च प्लस ओ की मात्रा प्लस क प्लस र। तो इज इक्वल टू शब्द, सारे शब्द को जोड़कर संधि वाला शब्द बनेगा हमारा जोकर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो वर्ण दिए गए हैं उसमें ओ की मात्रा लगाकर कौन सा शब्द बनता है वो यहाँ पर हमें
सीखना है तो पहला बना हमारा नोट, चोट, चोटी, मोर, ढोलक, भोजन, चोकर। तो ये सारे हमारे ओ की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर हैं। उसके बाद आएगा ओ की मात्रा वाले शब्द। आगे क्या करेंगे, हमें जो कुछ शब्द दिए गए हैं उसमें ओ की मात्रा वाले जो जो शब्द दिए गए हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं और लिखने हैं। तो कौन कौन से शब्द है हमारा, गोद, रोग, छोटा, टोपी, मोती। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सारे के सारे शब्द जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं उसे यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। और वो कौन से हैं हमारी ओ की मात्रा वाले सारे के सारे शब्द यहाँ पर हैं। उसके बाद है हमारे बोतल, खोखली, ठोकर, चकोर, पोखर, सोलर, दोपहर, सरोवर, अखरोट, मनोहर, कमजोर, सोमवार। तो हमें यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं सारे के सारे हमारी ओ की मात्रा वाले शब्द है जो हमें यहाँ पर पढ़ने और समझने हैं। तो पहला कौन सा है हमारा, गोद, रोग, छोटा, टोपी, मोती, धोती। उसके बाद है बोतल, खोखली, ठोकर, चकोर, पोखर, सोलह, दोपहर, सरोवर, अखरोट, मनोहर, कमजोर, सोमवार। तो ये सारे के सारे हमारी ओ की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर हमें दिए हैं। उसके बाद है पढ़िए और सुनाइए। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारे ओ की मात्रा वाले कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको वाक्य में बनाकर हमें यहाँ वाक्य दिए गए, जो वाक्य में दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है और सुनाना है। तो आप इसे कैसे पढ़ोगे, मोर नाचते देखो। क्या है हमारा पहला शब्द है, मोर को नाचते देखो। उसके बाद है कोयल को गाते सुनो। तो क्या है हमारा, कोयल को गाते सुनो। घोड़े को भी देखो। क्या है हमारा शब्द, घोड़े को भी देखो। यहाँ पर हमारा शब्द है घोड़े। उसके बाद है तोता चकोर ने टोकरी से दाना खाया। क्या किया, तोता चकोर ने टोकरी से दाना खाया। उसके बाद है खरगोश को घास दे दो। यानी कि हमारा शब्द कौन सा है, खरगोश को घास दे दो। गोपाल मोहन के डोली, मोहन ने डोली खेली। क्या किया, गोपाल मोहन ने डोली खेली। तो यहाँ पर क्या है, गोपाल में भी हमारी ओ की मात्रा है, मोहन में भी हमारी ओ की मात्रा है और डोली में भी हमारी ओ की मात्रा है। उसी तरह है हमारा गोल मटोल सोनू भी डोली खेलने गया। क्या हुआ, गोलू गोल मटोल, गोल में भी हमारा ओ की मात्रा है, ट में भी हमारी ओ की मात्रा है, स में भी हमारी ओ की मात्रा है और ह में भी हमारी ओ की मात्रा है। तो हमें क्या करें, गोल मटोल सोनू की भी डोली खेलने गया। इसी तरह हमें सारे वाक्य पढ़ने हैं और सुनाने हैं। सबने दाल मोठ समोसा खाया, चलो अब मिलकर नाचो गाओ। क्या है पूरा के पूरा वाक्य कैसे है, मोर को नाचते देखो, कोयल को गाते सुनो, घोड़े को भी देखो, तोता चकोर ने टोकरी से दाना खाया, खरगोश को घास दे दो, गोपाल मोहन ने डोली खेली, गोल मटोल सोनू भी डोली खेलने गया, सबने दालमोठ समोसा खाया, चलो अब मिलकर नाचो गाओ। ये पूरे के पूरे वाक्य यहाँ पर हमें इस तरह से पढ़ने हैं और सुनाने हैं। उसके बाद आएगा हमारा आगे का हमारा अभ्यास। उसमें सबसे पहली प्रश्न नंबर एक है हमारा, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमें वर्ण दिए गए हैं उन्हें जोड़कर, उनकी संधियों को जोड़कर हमें एक शब्द यहाँ पर बनाकर पूरा लिखना है। तो पहला वर्ण हमारा क्या है, ड प्लस ओ की मात्रा प्लस ल प्लस ई की मात्रा। तो क्या बन जाएगा हमारा, ड का हो जाएगा ड प्लस ओ की मात्रा, तो डो, फिर ल और उस पर लगेगी हमारी ई की मात्रा, तो बन जाएगा हमारा डोली। इस तरह से हमें सारे वर्णों को जोड़कर, उनकी संधि को जोड़कर एक शब्द यहाँ पर ऐसे बनाना है। तो कौन सा बनेगा हमारा, पहला शब्द बनेगा डोली। उसके बाद है हमारा र
प्लस ओ की मात्रा प्लस ट प्लस ई की मात्रा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, र में लगेगी ओ की मात्रा तो बनेगा रो, और ट में लगेगी हमारी ई की मात्रा तो शब्द बनेगा हमारा रोटी। तो हमें क्या करना है, जो वर्ण दिए गए हैं उनको सारे वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनता है वो हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना है। तो उसके बाद आएगा त प्लस ओ की मात्रा प्लस त प्लस ई की मात्रा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे त पर लगेगी ओ की मात्रा तो बनेगा तो, और त पर लगेगी ई की मात्रा तो बनेगी ती, तो हमारा पूरा शब्द बनेगा धोती। तो हमें इसी तरह सारे शब्द इस तरह से बनाने हैं। फिर है स प्लस म प्लस ओ की मात्रा प्लस स प्लस आ की मात्रा, तो हमारा शब्द बनेगा समोसा। तो हमें क्या करना है, स पहला का वर्ण स का स ऐसे ही आएगा हमारा, फिर आएगा म उस पर लग जाएगी हमारी ओ की मात्रा तो बनेगा समो, उसके बाद आएगा स फिर से तो उस पर लगेगी हमारी आ की मात्रा तो बनेगा हमारा पूरा शब्द समोसा। उसी तरह है म प्लस ओ की मात्रा प्लस ट प्लस र, तो हमारा शब्द बनेगा मोटर, क्योंकि म पर लग जाएगी हमारी ओ की मात्रा तो हमारा शब्द बन जाएगा मोटर। उसी तरह आगे है हमारा ट प्लस ओ की मात्रा प्लस क प्लस र प्लस ई की मात्रा, तो हमारा शब्द बनेगा टोकरी। क्या करना है हमें, ट पर लगेगी हमारी ओ की मात्रा प्लस क प्लस र पर लगेगी हमारी ई की मात्रा, तो पूरा शब्द बन जाएगा हमारा टोकरी। उसी की तरह है ख प्लस र प्लस ग प्लस ओ की मात्रा प्लस स, तो हमारा शब्द बनेगा खरगोश। कैसे, पहला आया वर्ण आएगा हमारा ख प्लस, उसके बाद आएगा र फिर आएगा ग, और ग पर लगेगी हमारी ओ की मात्रा इस, और उसके बाद का वर्ण आएगा हमारा स, तो पूरा शब्द बनेगा हमारा खरगोश। तो हमें क्या करना है, जो शब्द वर्ण दिए गए हैं उन्हें छोड़कर यहाँ पर हमें सारे शब्द इस तरह से लिखने हैं। तो कौन कौन से शब्द बने हमारे, डोली रोटी धोती समोसा मोटर टोकरी खरगोश। उसके बाद है प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में क्या आएगा, शब्द से वर्णों को मात्राओं को अलग अलग करके लिखने हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उनकी वर्णों और मात्राओं को अलग अलग करके यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो पहला शब्द हमारा कौन सा है, लोमड़ी, तो हमारा कैसे आएगा, ल प्लस ओ की मात्रा प्लस म प्लस ड प्लस ई की मात्रा। तो हमें क्या करना है, पहले वर्ण हमारा ल अलग हो जाएगा, फिर उसकी मात्रा भी हमारी अलग हो जाएगी, उसके बाद वर्ण फिर हमारा फिर वर्ण आएगा, उसके बाद फिर से हमारा वर्ण आएगा, और फिर से उसके बाद हमारी मात्रा आएगी ई की मात्रा। तो हमें क्या करना है, पहले वर्ण लिखना है फिर उसकी मात्रा लिखनी है फिर से वर्ण लिखना है फिर से हमारा वर्ण ही आएगा और उसकी मात्रा आएगी ई की। तो यहाँ पर हमारा लोमड़ी का पूरा इस तरह से अलग हो जाएगा। उसके बाद का शब्द है हमारा पड़ोस, तो पड़ोस का कैसे होगा, प प्लस ड प्लस ओ की मात्रा प्लस स, तो हमारा पड़ोस का इस तरह से शब्द वर्ण अलग हो जाएंगे। उसके बाद है कटोरी, तो कटोरी का कैसे आएगा, क प्लस ट प्लस ओ की मात्रा प्लस र प्लस ई की मात्रा, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा कटोरी। उसके बाद है हमारा चकोर, तो चकोर का कैसे आएगा, च प्लस क प्लस ओ की मात्रा प्लस र, तो हमारा बन जाएगा चकोर। तो उसके बाद है हमारा कोयल, तो कोयल का कैसे होगा, क प्लस ओ की मात्रा प्लस य प्लस र, तो हमारा क्या बन जाएगा, क प्लस ओ की मात्रा प्लस य प्लस ल, तो इस तरह से हमारे सारे वर्ण अलग हो जाएंगे। उसके बाद है मनोहर, तो मनोहर का कैसे होगा, म प्लस न प्लस ओ की मात्रा प्लस ह प्लस र, तो हमें क्या करना है, मनोहर का पहला वर्ण आएगा हमारा म, उसके बाद का आएगा न, उसके बाद आएगा उसकी न की मात्रा ओ की मात्रा, उसके बाद आएगा ह फिर आएगा र, इस तरह से हमारे सारे शब्द के वर्ण अलग हो जाएंगे। इसी तरह हमें आपको क्या करना है, पहला हमारा वर्ण लिखना है फिर उसकी मात्रा आती हो तो मात्रा लिखनी है, और फिर उसका फिर से दूसरा वर्ण फिर उसका वर्ण और उसकी मात्रा, इस तरह से हमें सारे शब्दों को अलग वर्ण में मात्राओं को अलग अलग करके इस तरह से हमें लिखने हैं।
प्रश्न नंबर 3, शब्दों के सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो ये क में जो शब्द दिए गए हैं उसको सही, और ख में जो शब्द दिए गए उसमें सबसे सही शब्द को जोड़कर शब्द की जोड़े यहाँ पर हमें बनानी है। तो पहला शब्द हमारा कौन सा है, तो छोटा। तो छोटा का सही शब्द कौन सा आएगा, तो छोटा का शब्द आएगा मोटा। तो हमें कौन सा शब्द जोड़ना है छोटे के साथ, मोटा। तोती का बन जाएगा हमारा मोती, तोता का बनेगा हमारा पोता। तो यहाँ पर क्या आएगा, तोता का बनेगा पोता। उसके बाद आएगा चोकर का मोटर, और उसके बाद आएगा दोपहर का आएगा मनोहर। तो दोपहर का बनेगा हमारा मनोहर। तो हमें क्या करना है, एक सारे के सारे शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो छोटा का बनेगा मोटा, तोती का बनेगा मोती, तोता का पोता, चौकर का मोटर, दोपहर का मनोहर। इसी तरह के सारे शब्द हमें यहाँ पर इस तरह से जोड़ने हैं। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 4, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो चित्र दिए गए हैं वो का उसका शब्द लिखकर यहाँ पर हमें पूरा वाक्य इस तरह से लिखना है। तो पहला चित्र हमारा किसका है, एक मोर का। तो हमारा शब्द कौन सा आएगा यहाँ पर, मोर। तो हमें क्या लिखना है, मोर लगते ही हमारा वाक्य क्या बनेगा, मोर नाच रहा है। क्या कर रहा है, मोर नाच रहा है। उसका बाद का चित्र है एक ढोलक का। तो हमारा शब्द कौन सा आएगा यहाँ पर, ढोलक। तो हमारा शब्द बनेगा, ढोलक बज रही है। क्या शब्द वाक्य बनेगा हमारा, ढोलक बज रही है। उसके बाद का चित्र है हमारा एक तोते का। तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा, तोता। तो क्या वाक्य पूरा क्या बनेगा, तोता राम राम बोलता है। क्या करता है तोता, राम राम बोलता है। उसके बाद आएगा हमारा जोकर, किसका चित्र है, एक जोकर का। तो हमारा शब्द आएगा जोकर। तो वाक्य बनेगा हमारा, जोकर कर्तव्य दिखाता है। क्या करता है जोकर, कर्तव्य दिखाता है। उसके बाद का चित्र है एक समोसे का। तो यहाँ पर आएगा शब्द आएगा हमारा समोसा। तो क्या वाक्य बनेगा, गोपाल समोसा खाता है। उसके बाद का चित्र है हमारा एक बोतल का। तो यहाँ पर शब्द आएगा हमारा बोतल। तो क्या वाक्य बनेगा, बोतल से पानी पी लो। तो यहाँ पर सारे वाक्य कैसे बनेंगे, मोर नाच रहा है, ढोलक बज रही है, तोता राम राम बोलता है, चोकर कर्तव्य दिखाता है, गोपाल समोसा खाता है, बोतल से पानी पी लो। इस तरह से सारे चित्रों को देखकर उनके शब्द लिखकर पूरे के पूरे इस तरह से वाक्य आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज पूरी होती है, और हमारे ओ की मात्रा वाले शब्द इस तरह यहाँ पर हमारे पूरे होते हैं।